Good morning everyone. Welcome to Manula classes in the lab session of daily news analysis. Today is 12th of January 2024. Myself is Naresh Sharma. Let's start with the first important news. Today we have various important points, important topics which can be very relevant for your examination. So, I hope that you are ready with your pen and paper. So, start the note down and understand the basic concepts. Drishti 10 Starliner. What it is? It is a unmanned aerial vehicle. Jisko hum commonly bol dete hain UAV. Means unmanned aerial vehicle. Means normally all kinds of planes are fly by a pilot, but these are unmanned aerial vehicle. इनको किसी भी man के द्वारा, किसी pilot के द्वारा इसमें बैठ करके, ठीक है, cockpit में बैठ करके वहां से ऐसा कुछ नहीं होता, इनको fly नहीं किया जाता. इनका operation कैसे होता है? रिमोटली होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. हु इज द डेवलपर? देन इट हैज बीन डेवलप्ड बाय अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस. ये प्राइवेट एजेंसी और जो है गवर्नमेंट एजेंसीज ने मिल करके बनाया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है. और दूसरी बात क्या है कि इट इज एन इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड. इट मीन्स नथिंग हैज बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री. इट इज फुल्ली कैसा है? इंडिजीनियस. इट मीन्स सब कुछ इंडिया में ही इसका जो है डेवलप हुआ है. इसके कुछ फीचर्स हैं जो इसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं कि इसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन के सिस्टम है, सर्विलांस भी कर सकता है और वॉर जैसी कैपेसिटी को भी रिकनेसा उसमें भी ये हेल्प कर सकता है. और 36 आवर्स तक ये लगातार जो है एयर में रह सकता है और 450 kg का वेट भी ले सकता है. ठीक है, क्या क्या इसकी कैपेबिलिटीज हैं? हाई एंड्योरेंस है, कॉम्बैट प्रूवन कैपेबिलिटीज हैं, एडवांस फीचर्स भी हैं इसमें. और उनकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इंडिया की जो नेवी है उसकी कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा. तो हमें ध्यान रखना है कि व्हाट इज दृष्टि 10 स्टार लाइनर. तो इट्स एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल. ठीक है, इसको ऐसे सोच सकते हैं आप, इट्स जस्ट लाइक अ ड्रोन. अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होते हैं? वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल एन एयरक्राफ्ट होता है दैट कैरीज नो ह्यूमन पायलट और पैसेंजर्स. ना तो इसमें कोई पायलट होता है और ना ही इसमें कोई पैसेंजर होते हैं. ठीक है, जैसे आप देखते हैं नॉर्मली हम जो कैमरास लगा करके ड्रोन्स के थ्रू, आजकल हम बहुत सारी मैरिज पार्टी वगैरह सब होती है उनमें ड्रोन्स के थ्रू हम रिकॉर्डिंग कराते हैं, तो ये वैसे ही है. और इसको भी रिमोट से ही ऑपरेट किया जाता है जो भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं. सम काइंड्स दीज आर कॉल्ड ड्रोन्स, इनको हम कहते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियली ऑटोनोमस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फुली ऑटोनोमस होते हैं. तो ये रही आपके लिए आज की इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी प्रसादम ये एक शब्द है दैट इज वेरी important in recent current affairs because it is going to happen a special food street place. Why? Just understand its context. A union minister for health and family welfare, इन्होंने क्या किया, inaugurate किया है इसको, country first health and hygienic food street को. ठीक है, country का पहला है, first है. इसमें क्या होगा, हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट होगी. नॉर्मली व्हेन वी थिंक अबाउट अ फूड स्ट्रीट वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैविंग सम काइंड ऑफ फास्ट फूड, बट दिस विल बी गोइंग टू बिकम इंडियाज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट दैट इज नेम प्रसादम. कहाँ पर है ये? नीलकंठ वन महाकाल लोक. ये कहाँ पर है? उज्जैन और मध्य प्रदेश में. उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में. यू नो उज्जैन में टेम्पल है भगवान शिव का जिसको हम कहते हैं महाकाल. ठीक है, तो ये टेम्पल है और उज्जैन में, अब बाकी हम और भी बात करने वाले हैं,
तो एक सेकेंड। हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट उज्जैन, तो उज्जैन में देखो ये बना है वहां पर क्या, महाकाल लोक, मीन्स अपने आप में बहुत बड़ा एक कॉरिडोर जैसा वहां पे जो है डेवलप किया गया है, और विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एवरी कंट्री लूजिंग इट्स कल्चरल आइडेंटिटी ऑन द ग्लोब। व्हेन इंडिया इज गोइंग टू और इंडिया इज ट्राइंग टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट आवर कल्चरल आइडेंटिटीज ऑन आवर नेशनल बेसिस नेशनल लेवल, देन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। प्रसादम, देखो ये तो हो गया आपका महाकाल कॉरिडोर, और ये हो गया महाकाल कॉरिडोर के अंदर ही क्या, प्रसादम एक फूड स्टेट। यहाँ पर क्या होने वाला है, अभी आपको बताया क्या क्या होगा। देखो ये पहली कंट्री की फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्टेट होने वाली है। इसमें क्या होगा, प्योर एंड सेफ लोकल एंड ट्रेडिशनल फूड होगा। इट मींस यहाँ पर जितना भी फूड होगा वो लोकल होगा, मींस ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कल्चर का पिज्जा ही यहाँ पर चलेगा, नहीं, यहाँ पर केवल इंडियन कल्चरल जो फूड्स हैं, इंडिया के लोकल फूड्स हैं, उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा, बस उन्हीं की शॉप्स यहाँ पर होंगी। ट्रेडिशनल फूड होगा वो भी कैसा होगा, हेल्दी फूड होगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो इंडिया में अब भी जैसे कि इस रीजन के जो पीपल होंगे, है ना, उज्जैन महाकाल के आसपास के लोग जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ के किसी लोकल फूड की एक शॉप वहां पे चला सकते हैं और उस फूड को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उसको वहां पे वो सेल कर सकते हैं। कंडीशन ये होगी कि वो हेल्दी और हाइजीनिक होना चाहिए और वो ट्रेडिशनल और लोकल फूड होना चाहिए। मींस यहाँ पर आप बर्गर, पैटीज, पिज्जा, डोसा, सॉरी डोसा भी अपना इंडिया का लोकल है, तो उस टाइप के जो मींस हेल्दी फूड नहीं है, जो फास्ट फूड है वो यहाँ पर सेल नहीं होंगे। तो इससे अच्छी बात क्या होने वाली है, ये सब आइडिया आप लगा सकते हैं, बाकी इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या आप सोच सकते हो, देखो ये फूड स्ट्रीट में क्या क्या होगा, देयर विल बी अ किड्स प्ले एरिया होगा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्वेलेंस और पार्किंग फैसिलिटी, पब्लिक कन्वीनियंस और सीटिंग स्पेसेस, दीज काइंड ऑफ ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड इन दिस फूड स्ट्रीट जोन। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट महाकालेश्वर टेम्पल। महाकालेश्वर टेम्पल की अगर हम बात करें तो इट्स अ हिंदू टेम्पल एंड एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है, समर्पित है। कहाँ पर लोकेटेड है ये, उज्जैन में है, और उज्जैन इंडिया की एक एंशियंट सिटी है। समटाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक लिस्ट दे दी जाती है, ए बी सी ऐसे कुछ ऑप्शंस, यू विल फाइंड सम ऑप्शंस एंड देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज एन एंशियंट सिटी। तो जैसे उज्जैन है, मथुरा है, ठीक है, काशी है, ये सब कैसे हैं, अयोध्या है, ये सब एंशियंट सिटीज है। सो कीप इट इन माइंड, द टेम्पल इज सिचुएटेड बिसाइड द रुद्र सागर लेक है वहीं पे, ठीक है। तो और क्या है कि ये जो उज्जैन का महाकालेश्वर टेम्पल है, ये इंडिया के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव को जो रिप्रेजेंट करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से ये एक है। बाकी हमने सारे के सारे 12 आपको डिस्कस किए थे, ठीक है, लास्ट डेज में, कि जो है इंडिया में जो कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 है, जिसमें से हमने आपको बताया था कि केदारनाथ बद्रीनाथ वाले जब उसमें जाते हैं जो है चार धाम की यात्रा करने उत्तराखंड में, तो वहां पर भी हमको केदारनाथ मिलते हैं, और रामेश्वरम में भी जाते हैं तो वहां वहां पर भी हमको मिलते हैं ज्योतिर्लिंग। तो महाकालेश्वर की एक खास बात यह है कि इट्स दक्षिण मुखी, मीन्स इट्स साउथ फेसिंग। बाकी जितने भी हमारे जो 11 बचे हुए रिमेनिंग जो ज्योतिर्लिंगाज हैं, दे आर नॉट फेसिंग साउथ। देखो इंडिया में जो टेम्पल्स बनाने किया जो कल्चर है, जो आर्किटेक्चर है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, वो कभी भी साउथ को फेस करके नहीं होते, बट द टेम्पल्स दोज आर फेसिंग द साउथ, दे आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर तांत्रिक क्रियाएं। ये आप ध्यान दीजिए, जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, टोने टोटके होते हैं, जादू टोना वगैरह, वो सब जो होता है सिद्धि वगैरह करते हैं, तो उन देवताओं की ही उसमें पूजा की जाती है, मीन्स उन मंदिरों में जहाँ वो साउथ फेसिंग हो,
तो कई बार आप देखेंगे दक्षिणमुखी हनुमान, है ना, दक्षिणमुखी दुर्गा, दक्षिणमुखी भैरव, तो उस प्रकार का कॉन्सेप्ट उसमें चलता है। टेम्पल विच इज स्प्रेड ओवर 5 लेवल्स पर बना हुआ है और ह्यूज थ्रॉन्ग ऑफ डिवोटीज यहाँ पर आएगा। कब आता है? ऑलरेडी आता है महाशिवरात्रि पर, हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और यहीं पर फिर महाकाल की आरती भी होती है जिसमें भस्म आरती का भी नाम आता है। नेक्स्ट वी हैव इम्पोर्टेंट पॉइंट इज बिलगिरी रंगा स्वामी टेम्पल। देखो यहाँ बिलगिरी रंगा स्वामी टेम्पल मीन्स यहाँ पर ये जो माउंटेन्स का एक पीक्स का हिल्स का जो टाइप है बिलगिरी मीन्स ये व्हाइट कलर की होती है वहां के लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज रंगा स्वामी, तो रंगा स्वामी इज लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु, ठीक है। तब उसमें कर्नाटक में भगवान विष्णु को रंगा स्वामी कहा जाता है, तो इन्हीं के नाम पर बिलगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व है। यहाँ ऐसा क्या हुआ, एक नई चीज यहाँ पर हुई क्या कि जो कर्नाटक का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इट हैज रिसेंटली स्टार्टेड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ₹10 फ्रॉम टू व्हीलर्स एंड ₹20 फ्रॉम फोर व्हीलर्स। अगर इस रूट से होते हुए कोई भी व्हीकल जाता है तो उसको इतना टैक्स देना होगा, ठीक है। और उसका नाम क्या दिया है इन्होंने, ग्रीन टैक्स। सो ग्रीन टैक्स की जो है कलेक्शन स्टार्ट हुआ है इस किसमें, इस टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो नाउ लेट्स हैव सम की पॉइंट्स अबाउट दिस टाइगर रिजर्व। इट इज लोकेटेड इन चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट, ओके। द टाइगर रिजर्व डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम बिलगिरी द व्हाइट रॉकी क्लिफ विच हैज अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिव। यहीं पर क्या है, भगवान विष्णु का टेम्पल है जिनको हम यहाँ पे, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। एक और इम्पोर्टेंट बात है इसकी कि दिस यूनिक बायोजियोग्राफिकल एंटिटी सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो जो इंडियन, जैसे हम इंडिया के मैप की अगर बात करें तो दिस रीजन, ये जो वाली साइड है इसको हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं और इस वाले रीजन को हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो यहाँ जिस एरिया में ये आपस में मिल रहे होते हैं उसके बीच में क्या है, ये जो है टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ये बिल्कुल जो है मिड पॉइंट में आकर के एस्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट्स की, तो हमारे पास एक नई न्यूज है और वो क्या है, उग्रम। क्या है ये उग्रम, अभी इंडिया के DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, उग्रम नाम की एक राइफल को डेवलप किया है। देखो जो है ना मेक इन इंडिया का जो लोगो है, एक जो है शेर लॉयन, वो भी इस पर प्रिंटेड है और ये एक कैसी है, असॉल्ट राइफल है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि ये इंडिजीनियस है। और अच्छी बात इसमें क्या है कि इसको ओनली 100 डेज के अंदर ही तैयार कर दिया गया, ठीक है। कितने दिन में, ओनली 100 डेज में इसको प्रिपेयर कर दिया गया DRDO ने बाकी कुछ प्राइवेट जो इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर, ठीक है। अच्छा, इसको जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्मी, जो इंडियन आर्मी का जो क्वालिटी वगैरह को चेक करता है उसकी कंसीडरेशन में बनाया गया है। राइफल की अच्छी बातें कुछ ये रही कि 7.62 mm कैलिबर इसको रखा गया है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी फेरोसियस हो जाती है इसके कंपैरिजन में, 5.62 mm की जो राइफल होती है उनके कंपैरिजन में। जैसे हमने जब हम फोर्स में थे तो 7.62 mm में जो राइफल मोस्टली चलती है वो चलती है या तो AKM या AK-47 या AK-56, ये वाली सीरीज की राइफल चलती है 7.62 mm, और इसी में मोस्टली LMG भी चलती है, लाइट मशीन गन्स, ठीक है। और जो 5.62 mm है इसमें चलती है हमारे पास में इंसास, ठीक है, जो रेड कलर का था, कई बार ब्लैक कलर के बट भी इसमें है, और इसी उसमें जो है रेंज में इनकी LMG भी आती है। तो इन्होंने जो अच्छा काम ये किया, क्योंकि जो इंसास राइफल है वो बहुत ज्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं रही इंडिया की जो है आर्म्स की हिस्ट्री में, इन्होंने क्या किया है कि 7.62 mm का ही कैलिबर इसका रखा, बिकॉज अगर वो उसको चेंज कर देते तो बहुत सारा कुछ नया चेंज करना पड़ जाता, क्योंकि बैरल का साइज चेंज करना पड़ जाता आपको, ठीक है। प्लस जो राउंड्स, जो एम्यूनिशन है वो अभी हम जब इस
इस रेंज का हम जो यूज कर पाते हैं तो इसी को हम इसमें भी यूज कर पाएंगे जो अभी हमारी जो क्या बनी है उग्रम जो राइफल बनाई है। तो अलग से आपको राउंड्स जिसको बोलते हैं ना बुलेट्स वो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर तक है। ठीक है, और अच्छी बात इसकी एक और है कि ये 4 किलोग्राम से भी कम की है तो बड़ा आसान होता है इसको कैरी करना। राइफल है 20 राउंड की मैगजीन इसमें है, ऐसी 20 राउंड की मैगजीन जो है उसमें भी आती है जो इंसास में। तो ये कुछ इसके बेसिक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज उग्रम। उग्रम एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड असॉल्ट राइफल है। ठीक है, चलिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023, ये आज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है करंट अफेयर के लिए। ठीक है, हुआ क्या है देखो, मिनिस्ट्री ऑफ जो यूथ अफेयर्स है एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, इन्होंने क्या किया है अभी अनाउंस कर दिए क्या नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के लिए। ठीक है, तो जब ये अनाउंस किए तो इनको कौन प्रेजेंट कौन करता है, तो हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जिसमें जैसे अर्जुन अवार्ड्स हो गए टू वेरियस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज एट द राष्ट्रपति भवन। सेकंड हाईएस्ट एथलेटिक ऑनर है इन इंडिया में कौन सा अर्जुन अवार्ड, सॉरी, इट इज गिवन फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप स्पोर्ट्समैनशिप एंड डिसिप्लिन अलोंग विद गुड परफॉर्मेंस ओवर प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। तो आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए स्पोर्ट्स में लास्ट 4 ईयर्स में। इट मीन्स You cannot get Arjun Award based on only 1 year top performance. So you have your performance should be best in last 4 years. और हम बात करें तो देखो इसमें बहुत सारे लोगों से direct application की जो है demand की गई थी government की तरफ से कि means जैसे if you are a person of sports then you can also apply individually on the application. इनकी website थी उस पर आप खुद से जा करके क्या कर सकते थे उस पर आप जो है अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई किन किन लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो देखो उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसके हेड कौन है, एएम खानविलकर, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो इनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी है जो लोगों को सेलेक्ट करती है कि किसको ये अवार्ड दिए जाएंगे और किसको नहीं दिए जाएंगे। बाकी इनके साथ में जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत सारे एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं और जिनको स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस होता है और जो स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़े होते हैं, दीज आर द पीपल विच बिकम द मेंबर ऑफ दिस कमिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, दैट वी आर डिस्कसिंग इन शॉर्ट हियर बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो 1.5 hours लॉन्ग, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन शॉर्ट and then we will discuss it in detail in our class. Major Dhyan Chand Khel Ratna Award is the highest sports award in India. India mein isse bada koi sports ka award nahi hai. Isme bhi last 4 years ki performance ko dekha jata hai. Major Dhyan Chand Award jo milta hai Khel Ratna Award, ye recently it was known as Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसको बोलते थे लेकिन इसका नेम बाद में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसके लिए ऐसा कहना था बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का कि राजीव गांधी कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी नहीं थे, सो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट हैव द नेम ऑफ दिस अवार्ड ऑन हिज नेम, राजीव गांधी नेम। दिस ईयर 2 persons गॉट दिस अवार्ड, बहुत रेयर केस में ही अवार्ड मिलता है, 2 persons को मिला है इस बार। कौन कौन है, सात्विक साईराज रेड्डी, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों ही बैडमिंटन के प्लेयर हैं, बैडमिंटन के प्लेयर हैं। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या क्या कि इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है, तो इन दो लोगों को मिला है। ये किस गेम से, किस स्पोर्ट्स की, किस जो है स्ट्रीम से एसोसिएटेड है दोनों, तो बोथ आर एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। ठीक है, तो बैडमिंटन को आपको ध्यान रखना है इनका कौन कौन सा स्पोर्ट्स में ये इंटरेस्ट मीन्स एसोसिएटेड है। एक बात और ध्यान रखनी है, व्हेन एवर यू आर रीडिंग एनी काइंड ऑफ अवार्ड यू हैव टू थिंक दैट दिस अवार्ड इज गिवन फॉर व्हाट स्ट्रीम एंड जिस व्यक्ति को दिया गया उसका क्या प्रोफेशन है, ये बात हमेशा आपको ऑल टाइम ध्यान रखनी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द्रोणाचार्य अवार्ड,
द्रोणाचार्य अवार्ड जो होते हैं वो कोचेस को दिए जाते हैं, जो स्पोर्ट्स के कोच होते हैं ना, मीन्स ये अच्छे गुरु को दिया जाता है, ऐसे समझिए आप, गुरु, अच्छे टीचर को दिया जाता है, अच्छे कोच को दिया जाता है, जो स्पोर्ट्स में कोचिंग जो है प्रोवाइड कराते हैं उनको मिलता है। एक तो रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, और एक दिया जाता है उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए। तो ये दोनों टाइप के अवार्ड मिलते हैं। देखो रेगुलर कैटेगरी में किस किस को मिल गया, गणेश प्रभाकरण, इनको मलखंभ के लिए मिला है। नाउ यू शुड नो व्हाट इज मलखंभ, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे। महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स, क्लास में डिस्कस करेंगे। ललित कुमार रेसलिंग के लिए, आर वी रमेश चेस के लिए, और शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए। गाइस यू हैव टू रिमेंबर दैट दीज पर्संस आर एसोसिएटेड विद व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट, बिकॉज यहाँ से एमसीक्यू बहुत सारे बनेंगे नेक्स्ट ईयर, मीन्स 2024 में होने वाले इलेक्शंस में, जब भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ द्रोणाचार्य अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी, तो ये बहुत कम लोगों को मिला है। दीज आर द थ्री पर्सनैलिटीज, कौन कौन, श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल, किसमें, गोल्फ में, श्री भास्करन ई कबड्डी के लिए, श्री जयंत कुमार पुशीलाल, इनको किसमें मिला है, टेबल टेनिस में। तो आपको ध्यान रखना है कि किसको किस फील्ड में मिला है, कि गोल्फ में किसको मिला है, टेबल टेनिस में किसको मिला है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, नेक्स्ट हमारे पास में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये एक ट्रॉफी है, ये भी दी जाती है इसी स्पोर्ट्स अवार्ड में भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी को मिलती है ये, किसमें, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जो होते हैं, ठीक है। इस ट्रॉफी को किससे रिलेट मानते हैं हम, कि जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते हैं उसमें जो यूनिवर्सिटी टॉप करती है उनको मिलती है ये, ठीक है। कैसे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ये विनर रही इस बार इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU पंजाब फर्स्ट रनर रही इसके बाद, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, ये सेकंड रनर रही इसके बाद में, ठीक है। तो इन टू तीन यूनिवर्सिटीज को मिला है, दीज आर द थ्री यूनिवर्सिटीज दोज गॉट मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अर्जुन अवार्ड। देखो ये बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, सो ये कई बार क्वाइट कंफ्यूजिंग दैट हाउ वी कैन रिमेंबर सच अ लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट। तो इट्स नॉट इजी टू मेमोराइज दीज ऑल द नेम्स, बट बे द प्रैक्टिस यू कैन जस्ट मेमोराइज, जस्ट हैव एन आइडिया दैट विच स्पोर्ट पर्सन इज एसोसिएटेड व्हाट काइंड ऑफ गेम। तो इतना तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए स्पोर्ट्स में। तो ओजस प्रवीण है देवतले, ये आर्चरी के लिए है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अदिति गोपीचंद स्वामी आर्चरी के लिए, श्री शंकर एम एथलेटिक्स, या वीर वैशाली चेस के लिए, क्रिकेट में मोहम्मद शमी को मिला है, ये नाम काफी पॉपुलर है। श्री अनुष अग्रवाल इक्वेस्ट्रियन के लिए मिला है, गोल्फ में दीक्षा डागर को मिला है, हॉकी में देखो कृष्ण बहादुर पाठक और पुखरम्बम सुशीला चानू इनको मिला है। तो ये देखो कई सारे नेम्स हैं, तो काफी लंबी लिस्ट है। टोटल 26 पीपल को इस बार अर्जुन अवार्ड मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज को सोच ही सकते हैं कि यू कैन मेमोराइज दैट दिस ईयर मीन्स फॉर 2023 हाउ मेनी स्पोर्ट पर्सन गॉट अर्जुन अवार्ड। तो ये कितने लोग थे, ये है टोटल 26 पीपल, तो इनको मिला है क्या, अर्जुन अवार्ड। तो इतना तो आप ध्यान रख ही सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ये एक मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज है। व्हाट इज मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज, मल्टीनेशनल मींस मल्टीपल नेशंस आर द पार्टिसिपेंट्स, मैरिटाइम मींस नेवीज, ठीक है। तो ऐसी एक्सरसाइज जहां पर उनकी नेवीज पार्टिसिपेट करती हो, जो वाटर में रहने वाली जो फोर्सेस हैं वो पार्टिसिपेट करती है, उनको मैरिटाइम एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है, मैरिटाइम फोर्स बोलते हैं उनको, नेवीज को। और किसके लिए था ये, इंटर ऑपरेबिलिटी वगैरह उस सबको इंक्रीज करने के लिए था। इंडियन नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, बाकी USA ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया और जापान, ये कंट्रीज थे जिनकी नेवीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सो गाइज वी डिस्कस वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरियस इंपॉर्टेंट न्यूज विद करंट अफेयर, देयर बेसिक्स, देयर बैकग्राउंड,
So I hope that you enjoyed the session, and we are going to end this session today and to meet you again in the next session. So always be happy doing the hard work. So thank you very much.